बहुत किस्मत वाले होते हैं वो घर जिनके यहाँ बेटियाँ जन्म लेती हैं, और जब ये बेटियाँ देश में नाम रोशन करती है तो न सिर्फ जन्मदाता बल्कि पूरे शहर को उस पर गर्व होता है। ऐसा ही एक गर्व करने वाला काम अम्बाला की रहने वाली चनेशा जैन ने किया है। बता दें कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के सौजन्य से आयोजित 3 दिवसीय 7वें ऑल इंडिया नृत्य प्रतियोगिता में चनेशा जैन ने पंजाबी फोक नृत्य प्रस्तुत कर फोक डांस की श्रृंखला में प्रथम स्थान हासिल किया है। वहीं अर्थशास्त्रीय समूह नृत्य प्रतियोगिता में भी चनेशा जैन और टीम प्रथम स्थान हासिल करने के बाद जब अम्बाला पहुंची तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। चनेशा ने छोटी सी उम्र में ही पूरे देश में अम्बाला का नाम रोशन कर दिया है। मैं नांदेड़ महाराष्ट्र में राष्ट्रीय नृत्य प्रतियोगिता के लिए गई थी एंड मेरा वहाँ पे भंगड़ा में एंड सेमी क्लासिकल ग्रुप में प्रथम स्थान आया है। वहाँ पे 2000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स थे एंड मुझे वहाँ पे परफॉर्म करके बहुत अच्छा लगा है। ये डॉक्टर सानवी जेठमानी जी ने ऑर्गेनाइज करवाया था एंड ये मेरा 4th नेशनल है जिसमें मैं फर्स्ट आई हूँ लगातार 4थी बार। मुझे असल में प्राइज तभी मिल गया था जब जजेस ने मेरे परफॉर्मेंस के बाद स्टैंडिंग ओवेशन दी एंड जब ऑर्गेनाइजर ने प्राइज के टाइम पे मुझे ये बोला कि आपके नाम में क्या रखा है, आपका डांस बोलता है। तो कैसा लग रहा है अम्बाला पहुंचे? मुझे अम्बाला आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे अम्बाला आकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से मेरे पेरेंट्स ने ढोल के साथ यहाँ पर मेरा वेलकम किया है। वहीं इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए राधिका जैन एकेडमी के डायरेक्टर ने बताया कि उनकी टीम ने 6 आइटम्स प्रस्तुत की थी जिनमें से 5 आइटम्स फर्स्ट प्राइज लेके आई है। और जो ये हमारा फंक्शन हुआ था नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ था जिसका नाम सप्तरंग फेस्ट था, जहाँ पर तकरीबन 2000 से 2500 तक की टीमें आई थी जिसमें हमारी 6 आइटम्स जैसे कि 3 सोलो 2 डुएट और 1 ग्रुप। तो हमारी जितनी भी आइटम थी वो सभी फर्स्ट आई हैं और 1 जो आइटम सोलो था वो हमारा सेकंड आया, बाकी 5 की 5 आइटम हमारी फर्स्ट आई हैं। बहुत से राज्यों के बच्चे थे, हमने अलग अलग तरह के डांस भी देखे। मणिपुरी तक के जो कंटेस्टेंट थे वो इसमें आए हुए थे। देखिए हमारा जो आया है वो एक तो लोक नृत्य में आया है और दूसरा शास्त्रीय नृत्य में आया है। दोनों जो ग्रुप था हमारा वो सेमी क्लासिकल था और जो हमारा डुएट था वो प्योर क्लासिकल प्लस भंगड़ा। अम्बाला से हम लोग जो मेरे साथ बच्चे गए थे वो 7 स्टूडेंट्स थे, मुझे मिलाकर हम 8 टोटल जो थे वो इस कॉम्पिटिशन में गए थे। गौरतलब है कि अर्थशास्त्रीय समूह नृत्य प्रतियोगिता में चनेशा जैन और टीम प्रथम स्थान हासिल करने के बाद जब अम्बाला पहुंची तो उनका जोरदार स्वागत किया गया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।